हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजिका टारियन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुशहाली रहे, प्रॉस्पेरिटी, धन, एक होते हैं ना कि हर्षोल्लास, और मेंटली खुशी के साथ साथ फिजिकली खुशी भी रहेंगे। आप चुस्त दुरुस्त रहें, आप हेल्दी रहें, उसके अलावा आपके घर में धन की वर्षा हो, फैमिली सब साथ रहे, एक बहुत सारी वो कहते हैं ना कि बॉन्डिंग के साथ में रहे, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी विशेष मेरी तरफ से आप सभी को। उसके अलावा थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट के लिए। बहुत अच्छे से मेरा चैनल जो है आप सभी के सपोर्ट की वजह से, या आपके प्रेम की वजह से, या आपके रेगुलरली मेरी प्रेडिक्शन की बात कर लूँ या एडवाइस की बात कर लूँ, उस पर विश्वास करने के लिए थैंक यू सो मच। और दिवाली की शुभकामनाएं। आज दिवाली की बातें करते हैं दोस्तों। दिवाली हम लोग मनाते हैं बहुत अच्छे से, साल भर का एक त्यौहार आता है। सबसे ज़्यादा बड़ा त्यौहार हमारे लिए दिवाली ही है। दिवाली के लिए कब पूजा करनी है, कैसे पूजा करनी है, गूगल पे आपको बहुत सारा स्टफ मिल जाएगा, यू कैन सी देयर। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहती हूँ आज, बहुत डिफरेंट टिप्स, जिससे कि हमारी जो दिवाली की पूजा है या महालक्ष्मी है उसकी अपार हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। सबसे पहले बात करते हैं पूजा की। जब हम दिवाली की पूजा करते हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, छोटा मोटा मतलब टिप्स दे रही मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो असेंशियल आपको रखनी चाहिए, आप अपने श्रद्धा से रखते हैं, हमेशा से जो भी करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। बट कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूर रखनी चाहिए, महालक्ष्मी की अपार कृपा आपको मिलती है उससे। पहली चीज़ का नाम है, वो है नारियल। नारियल जटा वाला होना चाहिए, उसको आप पूजा में ज़रूर रखें। नारियल का सिग्निफाइड होता है कि नारियल बाहर से कठोर होता है लेकिन अंदर से सॉफ्ट होता है, यानी कि हमें प्रोटेक्शन का एक सिंबल होता है, राहु का कारक है। पूजा में ज़रूर से ज़रूर रखें, आप महालक्ष्मी को अर्पित करें, साइड में रख सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। नंबर दो, पूजा में आपको कमल के फूल जरूर रखने चाहिए। आप दो रखें, ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कमल के जो फूल हैं वो सिग्निफाइन करते हैं कि आप कितनी भी बुराइयों में, गंदगी में, निगेटिविटी में हैं, लेकिन आप उसमें से एक अच्छा इंसान बन करके निकलते हैं। कमल जो है कीचड़ में खिलता है, ठीक है, तो बहुत अच्छा एक सिंबल है। तीसरी बात करते हैं कि पूजा में आपको अनार जरूर भोग लगाना चाहिए, अनार का फ्रूट जो होता है, क्योंकि अनार जो होता है एक तो मंगल का कारक होता है, दूसरी चीज़ ये है कि अनार बहुत सारे दाने हैं ना एक जगह खोल में रहते हैं, तो आपके परिवार की जो एक होता है ना कि स्ट्रेंथ या एकता, उसका प्रतीक होता है, तो दैट इज़ वेरी गुड। मंगल का कारक होता है, सपोर्टर्स मिलते हैं इससे। उसके अलावा गन्ना भी रखते हैं लोग, बाग नो डाउट गन्ना रखना चाहिए, शुभ रहता है, हाथी का प्रतीक माना जाता है, जुपिटर का प्रतीक माना जाता है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम बहुत सारी मिठाइयाँ का भोग लगाते हैं भगवान को, माता को लाते हैं महंगी महंगी मिठाइयाँ, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसका भोग आपको जरूर से ज़रूर लगाना चाहिए, वो है मीठे चावल। आप घर में मीठे चावल को बनाइए, उसमें आपको क्या क्या डालना है, आपको उसमें घी, शक्कर, इलायची जरूर डालिएगा, केसर और चावल। दूध अवॉइड करिए क्योंकि दूध को चंद्रमा कारक होता है। इस तरह से आप एक मीठा चावल बनाइए और उसको माता को अर्पित कीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, इलायची जरूर डालिएगा, ये सारी चीज़ें शुक्र का प्रतीक होती हैं, तो वीनस का प्रतीक होती है और माता भी वीनस का प्रतीक है, देवी माँ है, तो दैट इज़ वेरी गुड। चावल का भोग लगाइए, मीठे चावल का, और उस प्रसाद को आप सारे घर वाले बैठ के मतलब खाइए, दैट इज़ वेरी गुड फॉर दिस दिवाली को जरूर जरूर आप यूज कीजिए। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पूजा में आपको क्या करना है, हम घी के दीपक तो बहुत सारे जलाते हैं, एक तेल का दीपक ज़रूर से ज़रूर जलाइए, उसको चाहे आप पूजा में रखिए, साइड में रख दीजिए, जब आप पूजा करोगे साइड में रख दीजिए, वो कारक होता है सैटर्न का, शनि का। ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये आप जरूर जरूर पूजा में रखिए माता के लिए, आशीर्वाद के लिए, दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। बाकी तो आप अपने जो रिचुअल्स करते हैं वो कर कीजिए। उसके अलावा अब बात करते हैं कि हमारे घर में धन धान्य पैसा कैसा है, नोट कैसे है। मेन तो हम लाइक माता की आराधना कर रहे हैं तो पैसा भी तो आना चाहिए, ठीक है। लोग अपने बही खाते रखते हैं, अपना जो भी काम है उसको रखते हैं, पेन रख देते हैं, अपनी डायरी रखते हैं, जिस तरह का भी काम करते हैं, तो पैसे की बात करते हैं, धनलक्ष्मी कैसे हमारे पर कृपा बरसे। पहली चीज़ तो ये थी कि आपको ध्यान क्या रखना है, आपको जब आपके घर में जो आप शादीशुदा हैं तो आपकी जो पत्नी है उनको आप दिवाली के दिन जरूर से ज़रूर कोई गिफ्ट दें, वो रिलेटेड होकर शुक्र होना चाहिए, जैसे कोई आप ड्रेस दे दें, ज्वेलरी है, किसी भी तरह का कोई ऑर्नामेंट जिनको पसंद है, मेकअप का आइटम दे दीजिए, वो ज़रूर से आप उनको दे दीजिए, दैट इज़ वेरी गुड। वो बहुत खुश होंगी उससे, वो खुश होनी चाहिए उस चीज़ से, क्योंकि आपकी तो लाइव लक्ष्मी वही है जीती जागती, ठीक है, उनको खुश रखना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप फीमेल मेरा प्रोग्राम देख रही हैं या फिर आपकी शादी नहीं हुई है तो फिर आप क्या करें, तो फिर आप घर की जो बेटियां हैं, आपकी
बहन है, छोटी बहन है आपकी, मतलब ननद है, मतलब आपके घर में छोटी जो है लेडी जो भी है, आपकी देरानी हो सकती है पर आपसे उम्र में छोटी होनी चाहिए, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, डजंट मैटर, ठीक है, उनको आप कोई गिफ्ट दीजिए, चांदी का सिक्का दे सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। उसके अलावा आप उनको कोई भी गिफ्ट जो उनको पसंद है, चॉकलेट है, मिठाई है, वट एवर जो उनको पसंद है, ड्रेस है, वो जरूर दीजिए। ये लक्ष्मी का मतलब ये ना, जीती जाती है लक्ष्मी का प्रतीक होती है, वो खुश रहनी चाहिए आपकी इस बात से, ठीक है। एक तो हो गई ये बात, अब दूसरी बात करते हैं पैसे की, नोट की प्रॉपरली है ना। कभी भी दिवाली के दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारे में बता रही हूँ मैं, कि पैसा आपके घर में रुकता नहीं है, आता नहीं है या आप कमा नहीं पाते हैं, उसकी मैं टिप्स दे रही हूँ अब आपको। किसी भी कीमत पर दिवाली के दिन किसी को पैसा उधार ना दें, पैसा देना नहीं है, उधार नहीं देना है। वो कितना भी आपको लालच देगा कि नहीं नहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आपको बहुत अच्छे से आप में इंटरेस्ट दिला दूंगा, ये नहीं, नेवर एवर। एक और चीज़, कभी भी दिवाली के दिन पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। आपको बहुत सारी कंपनीज है, स्पेशली शेयर मार्केट वाले तो शेयर खोल के बैठ जाते हैं उस दिन, जाओ इन्वेस्ट करो, बट दैट इज़ वेरी रॉन्ग। इस वक्त हम हमारा अष्टम भाव को एक्टिव करते हैं, हमारे सेकंड हाउस को हम ख़त्म करते हैं, जुड़े हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो हम जो हमारा काम ही गलत कर रहे हैं, हम सेकेंड हाउस को खाली करके एट्थ हाउस को भर रहे हैं, दैट इज़ वेरी बैड। लालच में आकर हम पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, उधार नहीं देना है पहली चीज़। इसके अलावा दूसरा टिप, किसी से उधार लेना भी नहीं है। अगर आपको पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है तो दो चार दिन पहले ही आप अरेंजमेंट करके रखिए, सह दिवाली के दिन आप पैसा उधार भी ना लें, अदरवाइज उसका कमाया हुआ पैसा है, उसकी जो एक मुद्रा है या उसकी जो लक्ष्मी है, वो आप उधार ले रहे हैं, मतलब कुछ समय के लिए अपने ले रहे पास ले रहे हैं, वो परमानेंट आपके पास रुकने के लिए नहीं ले रहे। इस बात का प्रॉपर ध्यान रखिए, काम नहीं करना। तीसरी चीज़, दिवाली के दिन बहुत सारे लोग को मैंने देखा, एक तो शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाना चाहिए, उसके अलावा ताश खेलते हैं पैसा से, जुआ खेलते से कहते हैं, वो भी दैट इज़ वेरी वेरी बैड। क्योंकि उस समय क्या होता है कि हम लोग जो भी ये करते हैं मुद्रा से, मतलब पैसे से खेलना, दैट इज़ वेरी बैड, हम खेल रहे हैं, हम लक्ष्मी से खेल रहे हैं, तो ये चीज़ नेगेटिव होती है, हमेशा कभी भी नहीं खेलना चाहिए और दिवाली के दिन तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। ये तीन चीज़ आपको काम करना है। अब आगे बढ़ते हैं, दिवाली को क्या गिफ्ट दें और क्या गिफ्ट ना दें, या क्या गिफ्ट लें या क्या गिफ्ट ना लें, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूरे साल की आपकी प्रॉस्पेरिटी पर डिपेंड्स होती है चीज़ें जो होती है। पहली चीज़, दिवाली के दिन कभी भी किसी को लेदर आइटम ना देना, लेदर का बना हुआ बैग है, जूते, जूते तो वैसे भी पूरे साल कभी किसी को देने नहीं चाहिए, लेदर आइटम नहीं देना है, बैग है, वॉलेट है, व्हाटएवर नहीं देना। दूसरी चीज़ है, दिवाली के दिन कभी भी किसी को शार्प ऑब्जेक्ट ना दें, चक्कू की चक्कू छुरी, या अगर आप रसोई के संबंधित चीज़ देना चाहते हैं तो बर्तन वगैरह दे दीजिए, ये तो ना चिमटा, चक्कू, चम्मच, ऐसी चीज़ें मत दें, शार्प ऑब्जेक्ट नहीं देने हैं आपको, बर्तन दे सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, कभी भी दिवाली के दिन या कभी भी किसी को ड्राई फ्रूट्स ना दें। अब तो ड्राई फ्रूट्स का तो इतना बड़ा व्यापार हो रहा है, मतलब करोड़ों का होता है कि दिवाली पर ड्राई फ्रूट्स एक दूसरे को दिए जाते हैं, लेकिन उसका रीज़न क्या है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। दिवाली के दिन या कभी भी हम किसी को जब ड्राई फ्रूट्स देते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स कारक होता है सैटर्न के, शुभ राहु के, बादाम तो प्रॉपर राहु है, ठीक है। जब हम उसको देते हैं या उससे हम लेते हैं, तो अपना राहु और सैटर्न उसे दे देते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि राहु सैटर्न तो बुरी चीज़, अच्छा दे देते हैं तो बढ़िया बात है, लेकिन सैटर्न, सैटर्न जो आपको ग्रोथ दे रहा है, जो आपको अर्निंग्स करा रहा है, जो आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, वो चला जाता है, और राहु जो आपका लाइफ का फोकस है, जो आपको लाइफ को डिज़ायर्स कंप्लीट करता है, वो चला जाता है, और लेना भी नहीं है आपको। राहु और सैटर्न किसी का अवॉइड कीजिए, अगर आपको देने भी आ रहा है तो ये सोचिए कि अगर आ भी गया तो वैसे किसी को दे दीजिए उस चीज़ को, मतलब अपने पास मत कीजिए, यूज़ मत कीजिए उसको, गिफ्ट आ गई तब उसे फेंक तो सकेंगे नहीं ना, तो उसको यूज़ मत कीजिए, खाइए मत उसमें से कुछ भी, वो आ गया तो किसी को दे दीजिए, ठीक है, उसका उधर चला गया, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहने जा रही हूँ कि शूज़ जैसे आइटम कभी भी नहीं देने चाहिए। अब आप अगर आपको गिफ्ट देना ही है तो जैसे मैंने आपको बताया कि वीनस से रिलेटेड गिफ्ट दे सकते हैं, उसके अलावा मनी नहीं देनी है, चांदी की चीज़ें, सोने की चीज़ें भी आप बाहर वाले लोगों को मत दीजिए, घर के लोगों को दे सकते हैं, घर वालों को गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको गिफ्ट देनी है, चीज़ें ही देनी है, तो आप देंगे प्रॉपर मिठाई दीजिए, प्रॉपर मिठाई होती है ना, लड्डू होते हैं जो हम प्रॉपर मिठाई करते हैं, बर्फ़ी है, मावे की, जो भी मिठाइयाँ आती थी दुनिया भर की आजकल, प्रॉपर वो दीजिए, क्योंकि वो प्रॉपर मंगल का कारक होता है, वो मिठाई ही होती है, वो मीठापन होता है उसमें, ठीक है। आप अपने मंगल को बांट रहे हैं, अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। मिठाई ही देनी चाहिए, मिठाई ही दीजिए, और हो सके तो मिठाई ही लीजिए सामने वाले से, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द दिवाली। ये मैंने आपको बहुत सारे कुछ टिप्स बताए हैं कि पूजा में क्या रखना है, अपने घर की लक्ष्मी को कैसे कुछ रखना है, और पैसे के लिए आपको क्या करना है। उसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फाइनली,
पूजा जब भी हम करते हैं तो पूजा फलित कैसे होती है इस बात का ध्यान रखिए। हमने सारे काम कर लिए, सारी सामग्री इकट्ठी कर ली है, सब कुछ कर लिया है, अब हम पूजा भी करने बैठ गए, लेकिन उसको फलित भी तो करना है। उसके हमें जो रिजल्ट्स हैं वो हमें कैसे मिलने चाहिए। अगर आपका मन भारी है, अगर आप निगेटिविटी मन में है, या आप बहुत वो कहते ना कि एक कामनेस में नहीं है, तो पूजा उस वक्त मत कीजिए, चाहे कितना ही मुहूर्त आ रहा हो। पहली चीज़। उसके अलावा जब आप बहुत रिलैक्स हैं, काम है, एनर्जेटिक है, खुशी है, खुश हैं, उस समय पूजा करना शुरू कीजिए माता की। ठीक है, प्रॉपरली सब लोग बैठ के पूजा कीजिए बहुत अच्छे तरीके से, जैसे आप करते हैं उस तरह से। उसके अलावा फाइनली बात मैं बताने वाली हूँ वो ये कि जैसे ही आप पूजा खत्म करते हैं, आपका फिनिश हो गया, आपने भगवान को ढोक दे लिया, उसके बाद जिस दरी पे या जिस आसन पे आप बैठे हैं या आपकी फैमिली साथ में बैठी हुई है, उसको आपको उठा करके समेट के रख देना है। अदरवाइज आपकी पूजा अधूरी रह जाती है, कभी भी फलित नहीं होती है। अगर आप रूटीन भी पूजा करते हैं, आसन बिछाते हैं, दरी बिछाते हैं, जो भी आप बिछा के बैठते हैं पूजा करने के लिए, भगवान का पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, हवन करते हैं, जो भी करते हैं, जैसे ही आपका फिनिश होता है, आपको तुरंत वो जगह, वो जो चादर है, आसन है, जो भी है, उसको समेट करके उठा के रख देना चाहिए। अदरवाइज आपकी पूजा अधूरी रहती है, पूजा फलित नहीं मानी जाती, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको। तो मेरे बहुत छोटे से टिप थे आप सभी के लिए, मैंने बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है आप सभी के लिए 10-15 मिनट का फॉर द दिवाली। उसके अलावा आप सभी को फिर से दिवाली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। उसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। उसके अलावा 2024 की मैं रेगुलरली आपके लिए वीडियो लेती आने वाली हूँ, बहुत सारी सीरीज आने वाली है। उसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए एक बड़ा वाला गिफ्ट आने वाला है आप सभी के लिए। हो सकता है तो मैं दिसंबर में स्टार्ट कर दूँ, या हो सकता है 2024 में स्टार्ट करूँगी जनवरी से। आप सभी को फ्री प्रेडिक्शंस मैं देने वाली हूँ, दैट इज़ वेरी, अब आपको वो कहते हैं इसे गिफ्ट दे सकती हूँ। तो जल्दी ही मैं इस चीज़ को लॉन्च करूँगी ताकि आप लोग मुझसे बात करें, डायरेक्टली बात कर सकें। उसके अलावा आपकी कोई प्रॉब्लम है अकॉर्डिंगली आपकी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो मैं उसको पूरी मतलब कंप्लीट कर सकूँ, उसको आपकी जो प्रॉब्लम उसको सॉल्यूशन आपको दे सकूँ। तो ये चीज़ मैं तुरंत बहुत जल्दी से लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए। की वॉचिंग माई वीडियोज एंड ब्लॉग, मुझे लगता है मेरा बुद्धा अच्छा नहीं, इवन आई एम मे बी आई एम वेरी मच एक्साइटेड टुडेज बिकॉज ऑफ टुडेज दिवाली, सो दैट्स व्हाई। तो की वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।